मेरे पास वी बैक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल कि हमारा फर्स्ट बेबी सी सेक्शन से हुआ था, बेबी ने पॉटी कर दी थी या कोई भी रीज़न हो सकता है, ब्रीच पोजीशन थी या पेंस नहीं आ रहे थे या पानी कम हो गया था या दिन ज़्यादा हो गए थे, वाटर बैग लीक हो गया था, किसी भी रीज़न की वजह से हमारा सी सेक्शन हो गया है बट अब हमने नेक्स्ट बेबी कंसीव कर लिया है या हम इतने वीक्स प्रेग्नेंट हैं या इतने मंथ्स प्रेगनेंसी को हो गए, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है हमारी? तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास शुरू से ही आ रहे हैं जब से ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है। इस बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी बार आप लोगों को समझाया है कि देखें, डॉक्टर भी जब तक रिपोर्ट्स नहीं देख लेता, आपकी स्ट्रिप टेस्ट नहीं वो करवा लेता, तब तक वो आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि आप प्रेग्नेंट भी हैं या नहीं है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बंदा इस तरह से आप क्वेश्चन करें और वो बोल दे कि हाँ आपका नॉर्मल हो जाएगा या नहीं होगा? ये एक ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर्स भी, काफ़ी दफ़ा मैं इस बारे में बता चुकी हूँ कि डॉक्टर्स भी 3 साल का गैप मांगते हैं। तो अब आप मुझसे फिर भी यही पूछें कि हमारा 1 साल का गैप है, हमारा 2 साल का गैप है, तो क्या हमारा नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो जाएगी? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसे क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दूं, किस तरह से उनको समझाऊं कि ऐसे नहीं होता है। मतलब वी बैक कोई मजाक नहीं है, बहुत डिटेल में मैं इस पर कई बार बात कर चुकी हूं इस टॉपिक पर, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि जो ये कमेंट्स करती हैं खवातीन, उसके बाद मैं उनको अगर आंसर नहीं दे रही होती हूं, जो ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर उनका और कमेंट्स आते हैं कि आप तो रिप्लाई नहीं देती हैं, आप हमारी बात नहीं सुनती हैं। और इसी वजह से मैंने अपने चैनल की काफ़ी वीडियोस के कमेंट डिसेबल किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चंस की भरमार है जिनका आंसर मैं वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ या समझा चुकी हूँ। हाँ, मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ वी बैक से रिलेटेड, उसके लिए मैंने काफ़ी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। वो खवातीन जिनका वी बैक अचीव हो गया है मेरी वीडियोस को देखकर या किसी भी तरह से उन्होंने अपना वी बैक अचीव कर लिया है, तो वो खवातीन मुझसे रابطہ करें, मैं उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ वीडियो बनाऊंगी। अगर वो चाहती हैं अपनी स्टोरी शेयर करना तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि आप ही, मैंने आपकी वीडियो से इंस्पायर होके, मोटिवेट होके मैंने भी अपना वी बैक अचीव किया है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करने को कहा, उनसे इजाज़त ली कि अगर आप अपनी स्टोरी और लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं तो मुझसे रابطہ कीजिए। तो कुछ दिन बाद सूबिया इमाम आपको मेरे साथ वीडियो में नज़र आएंगी अपनी वी बैक स्टोरी शेयर करते हुए। अभी वीडियो जो है वो एडिटिंग के मराहिल में है, थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कितनी मुश्किल हो रही है वीडियो प्रोडक्शन में, देन फिर वो एडिट भी होनी है, वो एक अलग स्टोरी है। सो इस वीडियो में मुझे आपसे यही सारी बातें करनी थी। मुझसे कांटेक्ट के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकती हैं। कोशिश करें कि बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखने के बजाय वॉइस क्लिप में आप मुझे मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर दें। फेसबुक पर फिलहाल मैं अभी कॉमेंट्स रीड नहीं कर रही हूँ, आप मुझे मेल भी कर सकती हैं। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करके सेंड कर दें। ई मेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब के लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छा, बहुत सारी खवातीन मुझसे बहुत इंसिस्ट करती हैं, बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपना नंबर हमें दे दें, व्हाट्सएप नंबर। तो देखें, मैं अकेली हूँ अपने चैनल पर, मेरे चैनल की कोई टीम नहीं है अभी फ़िलहाल, तो वीडियो के आइडिया से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, शूटिंग, मैनेजमेंट, ये सब मैं अकेले करती हूँ। प्लस मैं व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर दूँ तो मुझसे ये सब कुछ मैनेज नहीं हो सकता, और ऑब्वियसली किसी से भी नहीं हो सकेगा, इतने सारे काम कोई भी एक साथ नहीं कर सकता। हम लोग इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है, मल्टीटास्किंग मशीनें कर सकती हैं, इंसान रोबोट नहीं है। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। अब मुलायदा फरमाइए, कोलैबोरेशन विद माई सब्सक्राइबर, प्री प्रोडक्शन, बिहाइंड द सीन्स। वालेकुम सलाम, कैसी है? आपके में स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है? वालेकुम सलाम, स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है? नेटवर्क कम हो गया। आपके पास स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपको आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। लास्ट में टॉप फीचर कमेंट्स ऑफ माय चैनल्स वीडियोस। मैंने अपने इस चैनल पर इस क्वारंटीन में काफ़ी सारी नई प्रोडक्शंस लॉन्च की हैं, उनमें से एक सीरीज ये भी है कि अब आपको मेरी वीडियोस के आखिर में मेरी प्रीवियस वीडियो के टॉप 5
फीचर कमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये सेगमेंट मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में करूँगी। आज फर्स्ट टाइम मैंने काउंट नहीं किए जितने भी मुझे टॉप फीचर कमेंट्स नज़र आए अपने चैनल पर, जो रिसेंटली मुझे मौसूल हुए हैं वो सारे मैंने इस बार वीडियो में शामिल कर लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं सिर्फ कोई से 5 कमेंट्स ही अपनी वीडियो के लास्ट में ऐड किया करूँगी। सो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है उन लेडीज़ की या उन चैनल्स की जो चैनल्स अभी नए नए हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो ये सस्ते में फ्री में शाउट आउट का बेहतरीन तरीका है। तो मौके से फ़ायदा उठाइए और अच्छे अच्छे मैसेज कीजिए। अब अच्छे अच्छे मैसेजेस से मुराद ये नहीं है मेरी कि सिर्फ आप मेरी, मेरे बच्चों की या मेरे चैनल की तारीफें ही करती रहें। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होगी तो वो भी मैं इंशाल्लाह ऐड करूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे चैनल को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करें और कंस्ट्रक्टिव वे में मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे चैनल में क्या क्या खामियां हैं, तो इस तरह से चैनल की भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको शाउट आउट भी मिल जाएगा। मुझसे अभी फ़िलहाल पर्सनल बात करने का बेहतरीन मीडियम इंस्टाग्राम ही है। आप मुझसे वहाँ पर वॉइस क्लिप में पर्सनल बात कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। व्हाट्सएप नंबर भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि मुझे शेयर करना चाहिए। सो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।